मेरी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी थी नहीं कि लाइक मैं जब भी कोई प्रोग्राम कोड रन करता था तो उसमें इतने सारे बग्स आते थे कि लाइक मैं अगर एक प्रोग्राम की कभी भी कितनी बार भी रन कर लूँ उसमें हमेशा बग ही मिलता था मेरे को, कुछ ना कुछ लगाना। वेलकम टू शंकर टेक टॉक। आज हमारे साथ हैं आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा है डेवऑप्स इंजीनियर और जानते हैं इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट की इन्होंने, क्या ये रोड मैप आपको सजेस्ट करने वाले हैं। वेलकम आशुतोष, प्लीज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, आप क्या करते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या था। हाय शंकर, थैंक्स टू इनवाइट मी। मैं अभी करंटली डेवऑप्स इंजीनियर एक यूएसए बेस्ड कंपनी के अंदर, मेरी है टेक्सास के अंदर करंटली, और वहाँ पर मेरा डेवऑप्स इंजीनियर का रोल मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं बेसिकली इनका मैनेज करता हूँ यूजिंग टेराफॉर्म और अदर टूल। सो आशुतोष, मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक की थी तो उसमें काफ़ी आपने प्रोफाइल स्विच की अपने करियर के अंदर, आपने काफ़ी सर्टिफिकेशंस भी ले रखे हैं, तो मैं उन चीज़ों पे आऊँगा। उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपके कॉलेज लाइफ से। आपने मास्टर्स किया हुआ है जैसे, तो आपकी एमसीए की जर्नी कैसी थी, आपके कॉलेज में किस तरह की कंपनीज आती थी, वहाँ से शुरू कर। जी बिल्कुल। सो बेसिकली मैंने बीसीए किया हुआ है और फिर उसके बाद मैंने एमसीए किया हुआ था। तो बीसीए बेसिकली मैंने बहुत ही छोटे कॉलेज से किया था, और जहाँ पर मतलब बहुत ही इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, तो मैंने बीसीए किया था। बट जहाँ मैंने एमसीए चूज किया वो थोड़ा सा अच्छा कॉलेज था, मतलब 12th के अंदर मेरे पास कॉमर्स कंप्यूटर साइंस थी, और मैंने उसके एक साल बाद गैप दिया कॉलेज में आने से पहले, और राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैंने एक प्राइवेट कॉलेज चूज किया जहाँ से मैंने बीसीए किया 3 साल का। और बीसीए करने के बाद मैंने एमसीए मैंने एमसीए किया, जो कि एमसीए मैंने कॉलेज चूज किया जहाँ मेरे ऑलरेडी मेरे कई फ्रेंड्स भी जा रहे थे, और उस टाइम पे हमारा जो कॉलेज था वो काफ़ी पॉपुलर था, नई यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी जयपुर राजस्थान के अंदर। सो वहाँ से मैंने एमसीए किया, और एमसीए के बाद मेरा कॉलेज से डायरेक्ट प्लेसमेंट हो गया था। एक कंपनी थी जिसका नाम था वाईफाई स्टडी, जो कि बेसिकली पार्ट है अन अकेडमी की, तो उसके अंदर मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो प्लेसमेंट से बाद में आते हैं, पहले आपके कॉलेज की तरफ आते हैं। जब आप एमसीए कर रहे थे तो उस टाइम कंपनीज की जो इंटरव्यूज होते हैं उसकी प्रिपरेशन कॉलेज से होती थी, कॉलेज प्रोवाइड कराता था ऐसा कुछ स्टफ पढ़ने के लिए, एप्टीट्यूड्स के लिए, या फिर आप अलग से बाहर से कर रहे थे ट्रेनिंग? सो बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी में मैं था एमसीए जहाँ से मैं कर रहा था, वहाँ पे टाइम्स इंस्टीट्यूट करके एक कोचिंग है जहाँ से हमारे कॉलेज ने इंस्ट्रक्टर अपने कॉलेज हमारे कॉलेज में बुलवा रखे थे, जो कि हमको एप्टीट्यूड और रीजनिंग इन सब में हेल्प करते थे, और साथ ही में जो कि इंग्लिश के लिए जैसे ग्रुप डिस्कशन भी एक पार्ट होता है, सो उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्टर थे हमारे कॉलेज में जो कि हमको गाइड करते थे कि ग्रुप डिस्कशन जब जीडी होता है जहाँ पे मल्टीपल कॉलेजेस फुल कैंपस ड्राइव्स होती हैं, जहाँ पे अदर्स बच्चे आते हैं बहुत अलग अलग साइड से, तो वहाँ पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, अपने आप को अपनी बातों कैसे रखनी होती है अच्छे तरीके से, तो वो हमको ग्रुप डिस्कशन में समझाते थे। ओके, तो आपके कॉलेज में किस तरह की कंपनीज आती थी, और जब आप एमसी कर रहे थे उस टाइम कौन सी कंपनियां आई थी? एट द इनिशियल एज कंपनीज मतलब स्टार्टअप से आए थे स्टार्टिंग के अंदर, मतलब कंपनीज की जब स्टार्टिंग हुई थी पहले स्टार्टिंग में तो स्टार्टअप्स हैं लाइक वो ही आए थे जो कि डेवलपमेंट के लिए आए थे स्टार्टिंग में, मतलब मोस्टली कंपनीज जावा डेवलपर्स हायर कर रही थी, एंड्रॉयड डेवलपर्स हायर कर रही थी। जो इनिशियली ट्रेंड था कंपनी के अंदर वो डेवलपर्स को ही हायर करने वाले ज़्यादा कंपनीज आ रही थी, ना कि किसी और फील्ड में, लाइक अदर फील्ड्स भी होती हैं उनमें कोई ज़्यादा हायरिंग नहीं थी, सिर्फ नॉर्मल फील्ड्स में हायरिंग चल रही थी लाइक एंड्रॉयड डेवलपर, जावा डेवलपर। ओके, तो जब आपने फर्स्ट जॉब आपको कैंपस से मिली तो आपकी स्ट्रीम या प्रोफाइल क्या था उस टाइम, किस प्रोफाइल में आपको जॉब मिली? सो मैं पहले ही मतलब लाइक मैं फाइनेंशियली इतना पहले स्ट्रांग नहीं था, तो मैं स्टार्टिंग से अपना कुछ एसईओ का मेरे को थोड़ा सा आइडिया था, हमने कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ था, तो मेरे को एसईओ एसएमओ सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में कुछ अच्छा आइडिया था। इस बेसिस पे मेरे को वाईफाई स्टडी में भी डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की जॉब मेरे को उसमें मिल चुकी थी।
ओके, लेकिन अब जैसे आपको जॉब उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी दी, लेकिन उससे पहले आपका क्या डिस्कशन हुआ, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए और कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहिए या किसी भी अदर प्रोफेशन? हमारा जो इंटरव्यू पैनल था वो अराउंड 3 राउंड्स का इंटरव्यू था हमारा, जिसमें फर्स्ट राउंड था ग्रुप डिस्कशन, और सेकंड राउंड था टेक्निकल, एंड थर्ड राउंड था एचआर राउंड। तो फर्स्ट राउंड में लाइक मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं थी, तो ग्रुप डिस्कशन में मैं इतना अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, बट मैंने कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर, जैसे लाइक हमारा उस टाइम पे टॉपिक था इंडियन ई कॉमर्स मार्केट वर्सेज चाइना ई कॉमर्स मार्केट, सो उस टाइम पे मैंने सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट्स को हाईलाइट किया, लाइक जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजोन है, वहाँ पे अलीबाबा है, तो मैंने जस्ट सिंपल 2 लाइन्स के अंदर दोनों कंपेयर किया था, और एंड द इंटरव्यू पैनल आर गेटिंग इम्प्रेस्ड। सो मेरा फर्स्ट राउंड ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो गया था, एंड मेरा सेकेंड राउंड टेक्निकल था। सो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने SEO को, मेरे पास पहले से थोड़ा सा आइडिया था, मेरे को थोड़ा सा नॉलेज थी SEO के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया टेक्निकल राउंड के अंदर, जो कि मेरा सेकंड राउंड था। और थर्ड राउंड इज HR राउंड, एंड वहाँ पे क्वेश्चंस थे कि व्हाई वी हायर यू काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो आई जस्ट आंसर्ड दोस क्वेश्चन एंड आई जस्ट गॉट सिलेक्टेड एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो आपने उससे पहले शायद नेटवर्किंग में भी कुछ सर्टिफिकेशन किए हुए, राइट? सो बेसिकली MCA जब मैं MCA कर रहा था उस टाइम पे मेरी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी थी नहीं कि लाइक मैं जब भी कोई प्रोग्राम कोड रन करता था तो उसमें इतने सारे बग्स आते थे कि लाइक मैं अगर एक प्रोग्राम की कभी भी कितनी बार भी रन कर लूँ उसमें हमेशा बग ही मिलता था मेरे को, कुछ ना कुछ लगाना, कोई हैश लगाना या फिर कोई कॉलन लगाना या फिर कुछ भी ब्रैकेट ओपन क्लोज करना, वो मैं हमेशा भूल जाता था, तो मेरे को बहुत सारे बग्स मिलते थे। तो मैंने को अच्छे से आइडिया था कि मैं कभी भी शायद मैं इतना अच्छा डेवलपर ना बन पाऊँ, तो मैंने इसलिए अपना दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं क्लाउड के अंदर जा सकता हूँ या मैं डेवऑप्स के अंदर जा सकता हूँ, ताकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइक वहाँ पे रिक्वायरमेंट डेवऑप्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कोड की, बट इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कोड कम्प्लीटली आपको फुल डे कोड पे आपको मतलब कोड क्रिएट करना है और कोड अपना अप्लाई करना है। सो मैंने उसमें एक लिनक्स चूज किया कि लिनक्स और नेटवर्किंग एक अच्छा फील्ड है, तो मैंने उस टाइम पे दो ग्लोबल सर्टिफिकेशन किए रेड हैट के, मैं उस टाइम पे बहुत एक बजिंग वर्ड था रेड हैट, तो उस टाइम पे मैंने रेड हैट का एक फर्स्ट इनिशियल सर्टिफिकेशन किया जिसका नाम था RHCSA, मैंने एक वो सर्टिफिकेशन लिया, और उसके कुछ ही टाइम बाद अराउंड 1 ईयर्स के अंदर मैंने दूसरा सर्टिफिकेशन लिया RHCE, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने MCA के अंदर 2 सर्टिफिकेशन ले लिए थे जो कि मार्केट में काफी पॉपुलर हैं आज भी, रेड हैट के सर्टिफिकेशन। तो ड्यूरिंग MCA आप पार्ट टाइम स्टडी कर रहे थे दूसरी भी, राइट? यस, क्योंकि लाइक मैं कोड के अंदर इतना स्ट्रांग था नहीं, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो जब आपने एज ए SEO ज्वाइन किया, आपने वहां पे कितने टाइम काम किया और आपको उन्होंने इनिशियली क्या पैकेज ऑफर? सो बेसिकली अराउंड 4.5 लाख उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ऑफर किए, मेरा रोल था एज SEO डिजिटल मार्केटिंग, एंड समटाइम्स आई एम रेस्पॉन्सिबल टू राइट सम कंटेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। जैसा कि आपने पहले कहा कि आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी स्पीकिंग और राइटिंग भी आई थी, तो आपने उस कंटेंट राइटिंग को कैसे हैंडल किया, उस टाइम कौन से टूल यूज करते थे आप, जो भी ऑडियंस आपका वीडियो देख रही है उनको हेल्प मिल पाएगी तो आप शेयर कर सकते हैं उस चीज़। ठीक है, सो बेसिकली पहले मेन चीज कंटेंट राइटिंग के अंदर होती है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि लाइक अदर साइट्स भी हैं जो वो कंटेंट यूज कर रही हैं तो उनका एनालिसिस कर सकते हैं अपन एक नोटपैड के अंदर या फिर एक अपन विजुअल एडिटर के अंदर अपना जो भी कंटेंट है वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, और अपने पास दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि अपन उस कंटेंट को लेके कोई AI टूल यूज कर लें, जैसे कि ग्रामरली या फिर प्लैगरिज्म चेक करने वाला और अदर मल्टीपल AI टूल्स होते हैं आजकल,
तो अपन वो AI टूल्स यूज कर सकते हैं कंटेंट रीजनरेट करने के लिए भी और कंटेंट राइट के लिए भी। बट अदर साइट्स पे जो कंटेंट होता है या जो AI से हम कंटेंट जनरेट करवाते हैं वो मोस्टली सभी लोग यूज कर रहे होते हैं आपकी फील्ड के अंदर, राइट? तो वो कॉपीराइट इशू भी तो हो सकता है ना उसको? यस, कॉपीराइट हो सकता है। सो उसके लिए अपन उसको क्रैश लाइक जैसे बता रहा हूँ कि लाइक आजकल नए AI टूल्स आ गए हैं, क्योंकि आप अगर वो वही सेम आप तो अगर कंटेंट ने दूसरी AI टूल पे अगर उसको यूज करके आप डालते हैं तो आपको एकदम फ्रेश कोड जनरेट करके देगा। आप प्लैगरिज्म चेक कर सकते हैं, प्लैगरिज्म चेकर करके एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपने प्लैगरिज्म जो भी कोड के अंदर है वो आपको बता देगा कि आपका कोड जो भी आपका कंटेंट है वो इतना कॉपीड है और इतना फ्रेश है। तो जब तक आपका 100% तो प्लैगरिज्म में 100% ओके नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक आप उसको अपलोड ना करें। ओके, तो आपकी फर्स्ट जॉब में आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए? फर्स्ट जॉब लाइक दिस इज लाइक इट्स फर्स्ट माय आईटी जॉब, सो सीनियर्स के साथ बॉन्ड बनाने में बहुत वो लगता है कि जो क्योंकि अपन नए नए कॉलेज से जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे पहले काफ़ी एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं लाइक जिनको 8 years, 10 years एक्सपीरियंस होता है उनसे बॉन्ड बनाने में। मेरी एक सीनियर थी, एक मैम थी मेरी जो सीनियर थी उनसे मेरे को बॉन्ड बनाने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी अपने काम को लेके और मैं स्टार्टिंग में जाते इतना सीरियस नहीं हो पाया और वो जो मैम थी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी अपने काम को लेके। तो मेरे को धीरे धीरे काफ़ी अराउंड 3 to 4 months लग गए अपने काम के अंदर सीरियसनेस लाने में और थोड़ा सा अच्छा बेटर परफॉर्मेंस लाने में। तो जब आपने फर्स्ट जॉब ज्वाइन की उसको कितने टाइम तक किया और उसके बाद फिर आपने प्रोफाइल यूज कर ली जो? सो मैंने इसमें लाइक डिजिटल मार्केटिंग का अराउंड 1 year एक्सपीरियंस लिया था क्योंकि मैं कॉलेज से प्लेस हुआ था उसमें, तो मैं अराउंड मैंने इसमें 1 साल काम किया मैंने पूरा। और मेरे कॉलेज के अंदर मेरे को नॉलेज थी लिनक्स की, तो मैंने साथ में ही डिजिटल मार्केटिंग के साथ में लिनक्स की भी प्रैक्टिस मैंने कंटिन्यू रखी। और लाइक जैसे ही मैंने नेक्स्ट जॉब स्विच करी तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब में, जहाँ पे मैंने अपने जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन थे रेड हैट के उनको यूटिलाइज किया और मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिस्टम एडमिन कह लीजिए उसकी मेरे को जॉब मिली जयपुर के अंदर ही एक लोकल स्टार्टअप के अंदर जहाँ पे मैंने। तो जैसे आपका प्रीवियस 1 year एक्सपीरियंस था SEO डिजिटल मार्केटिंग का, राइट? उसके बाद आपने लिनक्स में आ गए, नेटवर्किंग वाली फील्ड में आ गए, तो उस इंटरव्यू में आपसे पूछा नहीं कि आपने पहले ही एक्सपीरियंस किया है, आपका सर्टिफिकेट उससे पहले का है, आपने बीच में ये ज्वाइन क्यों किया, इस तरह कोई क्वेश्चंस फेस किए आपने? यस, ये क्वेश्चंस रेज हुए थे उस टाइम पे, बट मेरा ये आंसर था उस टाइम पे कि लाइक मैं इस फील्ड को, मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर और मैंने अपना अराउंड MCA से मैं इसको टाइम दे रहा हूँ लाइक अराउंड 3 years में मेरे पास नॉलेज है वो 3 years को मैंने इसको स्टडी किया है कम्प्लीटली अपने MCA के साथ और अपनी जॉब के साथ मैंने इसको स्टडी किया है, तो मेरी नॉलेज उस टाइम पे थोड़ी सी लिनक्स को लेके और एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट को लेके थोड़ी सी स्ट्रांग हो चुकी थी नॉलेज, तो मेरे पास नॉलेज भी थी और मेरा इंटरेस्ट भी था तो लाइक कंपनी ने मेरे को इजीली ज्वाइन करवा लिया। कि जब आपने SEO से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में ज्वाइन किया तो आपके रोल्स में कितना डिफरेंस आया और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के क्या रोल्स हैं? सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये दोनों ही डिफरेंट रोल्स हैं, जिसमें कि डिजिटल सिस्टम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर इज कम्प्लीटली अ टेक्निकल जॉब, कोर टेक्निकल जॉब जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को डील करना पड़ता है सर्वर्स के साथ, जहाँ पे सर्वर्स के साथ से डील करना पड़ता है सर्वर की नेटवर्किंग, सर्वर सेटअप। वहाँ आपने एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कितने टाइम काम किया और वहाँ पे आपको कितने परसेंट की ग्रोथ मिली या फिर आपने उससे कम में ज्वाइन किया था? सो सैलरी वाइज मैंने उससे कम में ज्वाइन किया था वहाँ पे बिकॉज मेरे को इसमें इंटरेस्ट था तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग से भी कम पे किया जा रहा था वहाँ पे, बट आई नो कि फ्यूचर ग्रोथ मेरे को इसमें ज़्यादा लग रही है तो मैंने इसको ज्वाइन किया और मेरा पैकेज उससे थोड़ा कम था। मैंने वहाँ पे अराउंड 2 years मैंने वहाँ पे काम किया, 2 years मैंने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने एक्सपीरियंस लिया और अराउंड मैंने 2 years वहाँ पे दिए अपने। सो नेक्स्ट मैंने उसके बाद एक रेड हैट का एक और सर्टिफिकेशन मैंने लिया
जिसमें रेड हैट का सर्टिफिकेशन उस टाइम बहुत बजिंग था, जिसका नाम था रेड हैट एंसिबल सर्टिफिकेशन। बेसिकली मैंने सर्टिफिकेशन को लिया ड्यूरिंग माय ऑफिस वर्क, मैं साथ में पैरेलली उसकी भी स्टडी करता था और मैंने ग्लोबल सर्टिफिकेशन ले लिया और उसके बाद में मैंने सेम पैकेज के अंदर डेवऑप्स के अंदर स्विच किया मैंने। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट रेड हैट का सर्टिफिकेशन लेना चाहे आज की डेट में, तो उसको क्या इनिशियली एक्शंस लेने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो कितना कॉस्टली है? सो बेसिकली ये इतना ज़्यादा कॉस्टली है नहीं, मतलब रेड हैट का सर्टिफिकेशन, जो एटलीस्ट मैं जो स्टूडेंट ज़्यादा सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि इनिशियल सर्टिफिकेशन ही कर लें जस्ट फॉर नॉलेज अगर वो चाह रहे हैं, तो एक RSCSA का जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत बेस्ट है। ट्रेनिंग विद ग्लोबल सर्टिफिकेशन इट कॉस्ट अराउंड 16,000 to 18,000, सो आई थिंक इट्स पर एंड एवरीवन कैन अफोर्ड। सो अगर कोई कैंडिडेट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे ज्वाइन करना चाहे, उस जॉब रोल में आना चाहे, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए खुद का करियर बनाने के लिए? सो आई थिंक पहले लिनक्स के अंदर उसको लाइक रेगुलर लाइफ में, लाइक मोस्टली वी आर यूजिंग विंडोज इन रेगुलर लाइफ, तो विंडोज ना यूज करते हुए उसको अपने बेस सिस्टम को लिनक्स पे कन्वर्ट करना चाहिए, और जो नॉर्मल लाइक जो भी चीज़ें लाइक अपन नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं, तो नॉर्मल कॉपी के लिए भी उसको CLI यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ वी आर यूजिंग ग्राफिकली जस्ट, तो वो ग्राफिकली यूज़ ना करते हुए स्टूडेंट्स को CLI यूज़ करनी चाहिए ताकि वो थोड़ा सा हैंड्स ऑन उनका लिनक्स बहुत अच्छा हो जाए। तो जैसे मान लो किसी के पास विंडोज सिस्टम है और वो जेन्युइन विंडोज यूज कर रहा है, लेकिन वो लिनक्स से उसको रिप्लेस नहीं करना चाहता, तो उसका अल्टरनेट क्या है? बेसिकली विंडोज 11 के अंदर एक नया फीचर आया पावर शेल का, सो पावर शेल के अंदर वो यूज कर सकते हैं विंडोज, मतलब विंडोज भी लिनक्स के साथ टाई अप किया है और पावर शेल का एक फीचर आया विंडोज के अंदर, तो वो यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड जिनके पास विंडोज 11 नहीं है वो वर्चुअल बॉक्स का यूज कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स के अंदर वो एज लिनक्स इज ओपन सोर्स, तो वो लिनक्स की लाइक कोई से भी वर्जन की लाइक उबंटू की और रेड हैट की और CentOS की इमेज ISO फाइल डाउनलोड करके और वर्चुअल बॉक्स पे इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। सर अब चलते हैं आपकी DevOps की प्रोफाइल की तरफ, जो कि आपका करंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो उसमें आपने कैसे स्विच किया खुद को, आपने क्या प्रिपरेशन की उससे पहले और कहाँ से? सो मैं RSCSA और RSCSA मैंने ऑलरेडी सिक्योर कर रखा था मैंने MCA की ड्यूरिंग MCA, उसके बाद में लाइक जब मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर था, जब मैंने उसमें एक एंसिबल का भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन लिया रेड हैट का, सो उससे मेरे को पुश मिला कि मैं डेवऑप्स में जा सकूं, क्योंकि जो एंसिबल है वो एक ऑटोमेशन टूल है, वो कम्प्लीटली ऑटोमेशन टूल है। सो मैंने एक नोएडा की एक कंपनी है सर्विस बेस्ड, सो वहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू दिया और वहाँ उन्होंने सेलेक्ट किया, और वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, लाइक वो मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को सर्विस देती है, जहाँ पे मैंने अपना डेवऑप्स की जर्नी वहाँ से मैंने स्टार्ट करी। लेकिन जैसा कि मुझे मतलब लोग कहते हैं कि डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी कॉन्फिगरेशंस होती हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि हर एक कंपनी की अलग रिक्वायरमेंट है, हर एक कंपनी अलग से अपना क्लाउड यूज करती है, कोई Azure, कोई AWS, कोई जी क्लाउड, तो उनका क्या सॉल्यूशन है? सो बेसिकली जिस कंपनी में मैं ज्वाइन किया था वहाँ पे एक मोस्ट ऑफ द मार्केट जो भी यूज कर रहा है वो AWS यूज कर रहे हैं, लाइक जिस टाइम पे मैंने स्विच किया था उस टाइम पे AWS उसने मोस्ट ऑफ द मार्केट कैप्चर कर रखा था, एंड तो मेरी जो कमांड थी वो भी AWS के ऊपर थी। तो आप चलते हैं आपकी एक जैसे DevOps एक बहुत पॉपुलर नेम हो चुका है एक प्रोफाइल का, तो DevOps का रोल क्या होता है मोस्टली कंपनीज के अंदर? सो बेसिकली कंपनीज के अंदर लाइक जो बिग कंपनीज होती हैं उनके अंदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म टीम्स होती हैं, जो कि एप्लीकेशन टीम्स होती हैं, जो अपने अपने नए नए प्रोडक्ट नए नए चेंजेस करती हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर,
लाइक जैसे ही वो जो अपने प्रोडक्ट के अंदर या फिर जो भी अपने एप्लीकेशन के अंदर चेंज करती हैं, तो वो चेंज वो पुश करती हैं लाइक किसी भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, लाइक गिट हो गया या बिट बकेट के ऊपर हो गया। तो जैसे ही वो पुश करती हैं, उसके बाद उस कोड को डिप्लॉय करना, उस कोड को अप्लाई करना अपने सर्वर्स के ऊपर, तो वो पार्ट बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियर के पास होता है कि लाइक जैसे ही उन्होंने उसको पुश किया, लाइक डेवलपर ने अपना कोड पुश कर दिया है, और कोड पुश होने के बाद उस कोड की बेसिकली वल्नरेबिलिटी चेक करना, कि उस कोड को टेस्ट करना और उसको लाइक कैसे डिप्लॉय करना है, कि ताकि अपना जो सिस्टम है वो 100% अप टाइम रहे, कि लाइक उसको डॉकर के थ्रू उसको डिप्लॉय करना है और क्यूबरनेटिस के थ्रू डिप्लॉय करना है, या फिर कोई अदर टूल्स के उसको यूज करना है। जब आप कॉलेज में थे तो आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी? जब मैं कॉलेज में था तो मेरी ड्रीम कंपनी गूगल थी। ओके, अभी उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? अगर कोई कैंडिडेट डेवऑप्स में आना चाहे 2023 के अंदर, तो उसके लिए क्या रोड मैप होगा और उसको क्या आप गाइड करेंगे कि कहाँ से पढ़ना चाहिए? सो जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं डेवऑप्स के अंदर अपना कैरियर बनाने का, तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने लाइक बेस सिस्टम के ऊपर लिनक्स यूज करते रहें रेगुलरली, ताकि वो एकदम से जो लिनक्स आपको अभी फ्यूचर में फेस करना पड़े तो आपके लिए न्यू ना हो, क्योंकि वो अच्छा हैंड्स ऑन हो जाएगा तो वो आपके लिए ईजी रहेगा आगे कैरियर में। और साथ में ही एक क्लाउड का कोई भी जो क्लाउड आज के टाइम पे पॉपुलर, लाइक मैं जिसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ AWS, तो अगर AWS आप अभी यूज़ कर सकते हैं रेगुलर के अंदर, स्टूडेंट वर्जन फ्री अवेलेबल है उसका, जो कि कुछ टाइम तक आपको स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहता है वो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं AWS का। लिनक्स हो गया, AWS हो गया, और लाइक कुछ टूल्स लाइक डॉकर और क्यूबरनेटिस, इन टूल्स को आप हैंड्स ऑन पे कर सकते हैं। सो डेवऑप्स की प्रोफाइल पे आने के लिए जॉब सर्चिंग के लिए क्या इफेक्टिव तरीका हो सकता है? सो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग रखें, और जो लिंक्डइन के ऊपर है वो अपना जो भी रेगुलर जो भी स्टडी करते हैं, जो अपना स्टडी मटेरियल है वो उस पर रेगुलर पोस्ट करें। लाइक ऐसा ना हो कि लाइक आप जो स्टडी कर रहे हैं वो अपने तक लिमिटेड रखें, वो थोड़ा सा अपनी नॉलेज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें, कि लाइक जो आपने जो भी स्टडी पढ़ी है, जो भी आपने स्टडी किया है, वो ऐसा नहीं कि आप ये रखें कि आप अपने पास ही रखते हैं, वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे या मीडियम पे कहीं पर उसको पोस्ट करें, गिटहब पे उसको पोस्ट करें, आप उसको रेगुलर पोस्ट करें लोगों को और नॉलेज शेयर करें, जिससे कि लाइक आपकी भी नॉलेज इम्प्रूव होगी और आपके साथ वाले की नॉलेज इम्प्रूव होगी। अगर कोई कैंडिडेट स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल पे आना चाहे तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? लाइक सबके अंदर एक स्पेशलिटी होती है, लाइक सचिन तेंदुलकर की स्पेशलिटी है कि वो बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो अगर उनको कोई कहता है कि सिंगिंग करनी है उनको अपने कैरियर में, तो वो इतने अच्छे सिंगर नहीं बन पाते। तो इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपनी स्पेशलिटी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, लाइक वो बेस्ट डेवलपर हैं या फिर बेस्ट डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं या फिर कोई और क्लाउड के अंदर जा सकते हैं, तो वो अपनी स्पेशलिटी उनको आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उसके बाद अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो बहुत सारी जगह जाके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। इससे बेटर रहेगा कि उनको एक ही फील्ड के अंदर फोकस रहना चाहिए और उसी में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो अगर कोई कैंडिडेट को डेवऑप्स की प्रोफाइल में जाना है, वो ऑलरेडी सारे टूल्स जो भी रिक्वायर है इनिशियली वो पढ़ चुके हैं, अगर उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो उनको क्या एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा उनको पढ़ने के लिए, से मिल सकता है, उसको कहाँ से पढ़ना चाहिए? सो इनिशियली लाइक जब आपने अपनी स्टडी कम्प्लीट कर ली है, लाइक आप अब जब ये सोच रहे हैं कि आप इंटरव्यू के लिए बेस्ट हैं, तब आप लिंक्डइन के ऊपर जो क्वेश्चन सेट्स होते हैं या फिर जो गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लाइक आप वो सर्च कर सकते हैं क्यूबरनेटिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, या फिर आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं कि क्यूबरनेटिस एंसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस और AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप सर्च करके गूगल से या फिर लिंक्डइन से आप डिफरेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक फाइंड कर सकते हैं और उनका खुद से ही सेल्फ उसको
आंसर करके, सेल्फ आंसर करके या फिर नोट करके, अपने आंसर को नोट करके आप अपने करियर में इसको आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स आशुतोष टू कनेक्टिंग विद अस एंड गिव योर टाइम टू शेयर योर नॉलेज एंड बेस्ट विशेस फॉर योर करियर एंड कीप वॉचिंग गाइज, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक वीडियो में, बाय बाय।